वही आचार चरण आज के लीला का स्मरण कर रहे हैं।
कारण कि हे देवी श्रीराजी के तुम नंदालय में नत बदन हो। श्री कृष्ण की तृप्ति के लिए जथा क्रम से भोज्य पेय आदि सुरसाल द्रव्य खिलते चेहरे प्रसन्नता पूर्वक यत्न पूर्वक रोहिणी के हाथों में अर्पित कर रही हूँ। मैं यह दृश्य कब देख पाऊंगी, ऐसा मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा। कल हम लोग कथा श्रवण किए थे कि रसोई घर में प्रिया जी और श्याम सुंदर का एक साथ दृष्टि मिलन हुआ है, नयन मिलन हुआ है, तो दोनों रस में विभोर हो गए। श्याम सुंदर भी और प्रिया जी जिस रस युक्त भोजन से एक साथ में भी रस आ गया। इस प्रकार प्रिया जी की सेवा का यह सर्वोपरि उत्कृष्ट साधना यही है। भोजन बनाते समय प्यारे श्याम सुंदर का चरण कमल का ध्यान करना, जिसको भोजन बना रही है उसके हित की चिंतन करना, और खास करके देखते हैं कि संसार में जितने भी भक्त हैं, महात्मा हैं, शिव से लेकर के आज तक जितने भक्त हैं, सब भक्तों में थोड़ा थोड़ा सुसुप्त वासना, अपना सुख की इच्छा सब में, यहाँ तक कि मथुरा नागरी कुब्जा इत्यादि में भी देखा जाता है अपना सुख, रुक्मिणी महारानी इत्यादि में भी अपना सुख देखा जाता है, लेकिन ब्रजरानी राधा रानी ही एक ऐसी हैं कि अपना सुख कभी देखती ही नहीं, इसीलिए इनको समर्था रति कहते हैं। आज तक सृष्टि में ऐसा कोई भक्त हुआ ही नहीं राधा रानी जैसे। राधा रानी जैसी हैं ठीक उसी तरह उनकी किंकरियां भी, देखिए कैकर्य भाव कितना उत्कृष्ट भाव है। यदि अपने सुख लेने की इच्छा है तो इस खास करके इस दास्य रस में जो प्रिया जी की सेविका है उसमें कोई आ नहीं सकता। यहाँ पर केवल एक ही लक्ष्य है, अपने इष्ट की प्रसन्नता, प्यारे श्याम सुंदर की सुख। प्रिया जी का एकमात्र इच्छा है प्यारे श्याम सुंदर की सुख, और सखियों की मंजरियों की उत्कृष्ट यही इच्छा है प्रिया जी की प्रसन्नता। और खास करके हमारे इस भजन जो रागानुगा भक्ति है, इसमें हमेशा देखना चाहिए कि कहीं कामना की दाग तो नहीं लग रही। हम भजन कर रहे हैं या कुछ भी सेवा पूजन कर रहे हैं, कहीं हमारी स्वसुख वासना तो नहीं जग रही, कहीं प्रतिष्ठा रूपी चंडालिनी हमारे हृदय में तो वास नहीं कर रही कि हमको सुख भजन के बहाने प्रतिष्ठा की आशा करना। आचार्य लोग कहते हैं कि यदि प्रतिष्ठा की आशा थोड़ी सी भी रहेगी तो ये मधुर रस का थोड़ा सा भी स्वाद नहीं हो सकता। जैसे श्रील माधवेंद्रपुरी आए वृंदावन, और वृंदावन आने के बाद गिरिराज जी की तलहटी में गए, साक्षात भगवान प्रकट होकर के अपना स्वरूप दर्शन कराए और कहे कि तुम हमको बहुत दिन से, मैं पृथ्वी के नीचे तल में पड़ा हूँ, तुम मेरा उद्धार करो। माधवेंद्रपुरी उद्धार किए, और साक्षात गोपाल ने आदेश दिया कि तुम जाओ और हमारा शरीर बिल्कुल तप्त हो गया है, शीतल करने के लिए चंदन लेकर, और चंदन लाने के लिए गए। रास्ता में रेमुना में गोपाल जी का दर्शन किया। देखिए कितना सूक्ष्म वासना है। जब पुजारी छिर्च गोपीनाथ जी को भोग लगा करके जा रहा था और प्रसाद निकाला, तो उसमें से इतना दिव्य सुगंध निकला कि उस सुगंध को देखकर मन में यह अभिलाषा हुई कि थोड़ा सा प्रसाद मुझे मिल जाए, थोड़ा सा यदि हमें मिल जाएगा तो उस प्रसाद को वैसा ही ठीक अपने ठाकुर जी को बोल। लेकिन भक्त वांछा कल्पतरु, भगवान के मन में भक्त की वासना पूरा करने के लिए तत्काल एक कुल्हड़ जो खीर का था चोरी कर, भगवान का नाम भी पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ ना ठाकुर जी का,
देखो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने में शर्माते नहीं। भगवान के मन में भले दुनिया वाले हमको चोर चोर कहे, लेकिन मैं अपने भक्तों को सुख दूं, ये भगवान की कितनी भारी वत्सलता है। आज तक उनका सब भगवान का नाम है राधा गोपीनाथ, लेकिन उनका नाम है किशोर। अपने भक्तों के सुख के लिए भगवान अपना बेइज्जती ले ली। आज तक दुनिया उनको चोर कहता है, चलो कहो, लेकिन मैं अपने भक्तों को सुख दूंगा। पुजारी को साक्षात आदेश दिए प्रभु, जाओ। एक माधवेंद्र नाम का भक्त आया है और उसको हमको उसको एक खीर दे। 12 बजे रात्रि में आदेश। पुजारी उठा, मंदिर का पट खोला, जाकर देखा सचमुच एक कुल्हड़। देखो ये कितना भक्त बात चलता है ठाकुर। बारह और दूर जाकर माधवेंद्र पुरी सोचे कि मैं कितना दुष्ट हूँ, देखो तो सही। अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए मैं भगवत प्रसाद पर कृष्णा बनाए रखा, अपने को गर्हित दोष मान करके दूर जंगल में जाकर पड़ गए। और पुजारी उठा 12 बजे रात में, चिल्लाने लगा माधवेंद्र माधवेंद्र कौन है कौन है। तो सोचे कि कोई और होगा माधव, हम तो नया नया, मुझको कौन जानता है। और पुजारी चिल्लाता हुआ जा रहा है, तब अंत में कहा कि अरे गोवर्धन वाला मारो। तो सोचे कि ये तो मेरा ही नाम दे रहा है, भैया क्या गलती हो गई क्या। तो चरण पर पुजारी गिर गया कि आपके लिए प्रभु ने एक फिर चोरी किया। यह देखते ही मरा, उनके आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगा। कुल्हड़ लिए, खाए और डर के मारे प्रतिष्ठार भय पूरी गेला पलाई। देखिए कितनी प्रतिष्ठा रूपी चंडालनी यदि भक्त के हृदय में वास करेगी तो भक्ति का सुख कदापि उसको प्राप्त होने से। मन में आया कि प्रसाद तो मैं पा लिया, और जो कुल्हड़ था उसको भी अपने साथी में बांध लिया, ये भगवान का दिया हुआ, उसको भी रोज एक एक खाने लगे। और रास्ते में जा रहे हैं और जा रहे हैं, इसीलिए भाग्य कि यदि मैं सुबह हमको कोई देखेगा तो सब लोग मुझको पकड़ लेगा कि कितना बड़ा भक्त है जिसके लिए साक्षात भगवान ने चोरी की। तो प्रतिष्ठार भय पूरी गिला फलाई, प्रतिष्ठा के भय से। हम लोग तो अपनी प्रतिष्ठा के पीछे पड़ते, जहाँ प्रतिष्ठा होती वही जाते, जहाँ अपमान होता वहां जाएंगे ही नहीं, जहाँ कोई गाली दे दे तो वहां जाएंगे। अब महात्मा लोग ऐसे होते हैं जहाँ गाली मिलता है वहां जरूर जाएंगे, जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगा वहां से दूर भाग। देखिए भक्त की इच्छा, प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्र पूरी रात्रि नहीं भाग। कृष्ण प्रेम संगे प्रतिष्ठा चले लाग नहीं, लेकिन एक कृष्ण प्रेमियों के पीछे पीछे प्रतिष्ठा चलती है और भक्त प्रतिष्ठा को छोड़ते हुए भागते। कृष्ण प्रेम यदि जिसके हृदय में जग गया, यहाँ पर आचार्य चरण कहते हैं कि देखो भैया, यदि तुझको प्रेम कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति प्राप्त करना है तो सारे संसार में बहुत विषय है, उस समस्त विषय को 3 भाग में बांट दिया गया, कांचन कामनी और कीर्ति, संपूर्ण इसके सब इसके अंदर सब आ जाता है। कांचन कामनी तो माया देवी के दोनों कान के कुंडल है और प्रतिष्ठा मुकुट। कांचन कामनी से बड़े बड़े महात्मा लोग पार पा जाते हैं, उनको धन स्त्री से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा उनकी भी खटिया खड़ी कर देती, उनको भी खींच कर रोड पर ला देती। इसीलिए कहा गया कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। यदि तुझको भगवान का भजन करते समय सम्मान मिलने लगे तो समझ जाना कि हमारा पाप उदय हो गया। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, यदि प्रतिष्ठा विष जैसे लगने लगे तो समझ जाना कि वो भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। हम लोग तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैसा भी देते हैं कि थोड़ा हमें प्रतिष्ठा कितनी मिली, लेकिन जिस रस की हम लोग चर्चा करते हैं, ब्रज रानी राधा रानी को देखिए,
ब्रज की गोपियों को देखिए, देह धर्म लौकिक वैद्य की मर जाता ही सखी प्रीति पलक माधो, लौकिक प्रतिष्ठा और वैदिक प्रतिष्ठा दोनों को फेंक देती है कृष्ण प्रेम के लिए। हमको नहीं चाहिए समाज के लोग अच्छे बने, हमें तो कृष्ण प्रेम चाहिए बस, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तो कृष्ण प्रेम संगे प्रतिष्ठा चले लाग लिया, भाग गए वहां से माधवेन्द्रपुरी भाग, कि हमको प्रतिष्ठा का भय, पैसा से डर। वाह, एक महात्मा कहते थे रास्ते में यदि हम लोग चले जा रहे हैं और रास्ते में 1 किलो सोना मिल जाए तो क्या करेंगे। पूछते थे अपने साथियों से, पूछते थे कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। तो कोई पूछा, कोई कहा कुछ पैसा को लेकर हम कृष्ण की सेवा में लगा दें, कोई कहा कि हम मंदिर बनवा दें। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो कहे कि मैं उस धन को देखूंगा तो इतना जोर से भागूंगा कि बाप रे काल कहां से आ गए, तो हमको नष्ट करने वाला है। धन को लेकर के मंदिर बनाना और भी कीचड़ लगा करके धोने से अच्छा कीचड़ ही ना लगाया। ये मठ मंदिर बनाना भी एक माया ही है, माया मंदिर स्त्री चौथा जग व्यवहार, ये साधु को तब मिले जब रूठे करता है। मठ मंदिर बनाना भी एक माया ही है, मठ बनाना आश्रम बनाना, अरे खूब सुंदर जरा, ये भी एक बहुत बड़ा माया। संसारिक माया से यदि गृहस्थ अपना घर बना रहा है उससे खतरनाक है मंदिर बनाना, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि घर बनाना लोहा का जंजीर और मंदिर बनाना सोना का जंजीर। लोहा का जंजीर तो कोई तोड़ कर फेंक देगा, लेकिन सोना का जंजीर तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए श्री सनातन गोस्वामी ने मदन मंदिर को छोड़ दिया, वो कहे कि थोड़ा नमक लाओ अब मंदिर बनावा, तो छोड़ तुम बनाओ जिसको बनाना है, हम तो जाकर के कारण भजन। भजन का महत्व यदि नहीं समझ में आता है, इसीलिए ये भी सतगुणी माया है, मठ मंदिर चेला चेली आश्रम, ये भगवान के नाम पर जो करते हैं, जिस शुद्ध जिस रस भक्ति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें ये सब भी बाह्य वस्तु बहिरंग वस्तु। आचार्य सब महापुरुष को त्यागा, जिसको निकुंज रस प्राप्ति की थोड़ी सी भी अभिलाषा जग गई है वो वैदिक कर्म को भी छोड़ देते हैं, लौकिक वैदिक मर जाते ही प्रति प्रीति पलट में, हमें नहीं चाहिए बाप, हमें नहीं चाहिए। मठ मंदिर बनाने से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ नहीं चाहिए हमको, वैकुंठ चाहिए ना स्वर्ग चाहिए हमको, प्रिया जी के चरण कमल की सेवा चाहिए बस, चाहे प्रिया जी हमको नरक में रखें चाहे स्वर्ग हमको कोई, बस वैकुंठे नरके थवा मम गति नान्यस्तु राधा मीना, हमको प्रिया जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, यही अभिलाषा है। निष्काम भजन को ही आनंद कहते हैं, जिसमें कामना आ गई भजन ही नहीं। देखिए मंजरिया की कितनी उत्कृष्ट साधना है, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि सबसे बड़ा सुख कृष्ण है, कृष्ण से तो बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेदों में कृष्ण का ही एक नाम आनंद है। हम लोग रोटी से क्यों प्रेम करते हैं, उसमें आनंद खोजते हैं, पानी में प्रेम, स्त्री में क्या खोजते हैं आनंद, धन में आनंद, सबसे बड़ा आनंद कहाँ है कृष्ण, भगवान से बढ़कर तो कोई आनंद नहीं। उस कृष्ण को भी मंजरिया फेंक देते, हमको नहीं चाहिए कृष्ण, किसके लिए, प्रिया जी की सेवा, हमको सेवा चाहिए। राधा रानी माने राधा रानी, राधा के रूप मानो प्यार का ही रूप, राधा रानी क्या घनीभूत प्रेम की मूर्ति ही तो राधा रानी। राधा का अर्थ होता है जो हमेशा प्यासा हो, सेवा के लिए प्यासा हो, जिसकी सेवा करते करते तृप्ति हो जाए वो राधा नहीं। राधा का मतलब है नित्य निरंतर जिसकी कृष्ण सेवा की प्यास पड़ी है, हमेशा सेवा 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 के अतिरिक्त कोई चाह नहीं। हम श्याम की सेवा चाहते, हम श्याम को नहीं चाहते, ये गौरी भक्ति का सिद्धांत, हमें सेवा चाहिए, हमें कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए। इसी का प्रमाण श्रीमद् भागवत में है, जसोदा जी ने अपने गोद में आए हुए ब्रह्म को फेंक दी सेवा के लिए, फेंक दी ना, क्योंकि हमारे गौरी भक्तों का आधार सेवा है, कृष्ण नहीं प्रेम है, सेवा माने प्रेम, जहाँ सेवा रहेगा वो प्रेम में रहेगा, प्रेमी सेवा के बिना नहीं रह सकता है।
यही यहाँ पर कहते हैं सकाम उपासक की उपलब्धि कभी हो ही नहीं सकती। हमको कुछ भी कामना हो, किसी प्रकार की कामना, यह कामना हमारी भक्ति को समूल नष्ट कर देती है। सकाम भजन में दुख है, कामना की गंध रहने से यथार्थ आनंद की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। भाई कामना का गंध खा गया है, कामना तो बात, कामना की गंध भी यदि रहेगी। देखिए हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, मंजरियों की, श्रीमती राधा रानी ईश्वरी जी, जहाँ पर कुछ गंध इत्यादि नहीं। हम लोग देखिए प्रिया जी नंदगांव से आई हैं, अरे नंदगांव में आई हैं और आकर के रंधन काल कर रहे हैं, ये रंधन बासी नहीं होगा। कल कह रहे थे बासी हो जाएंगे, ये नित्य नूतन है, श्री कृष्ण कभी बासी नहीं होते। भगवान में जड़ता नहीं है, भगवत प्रसाद में कभी बासी नहीं होता है। भगवान का प्रसाद जो है इसलिए कहा गया है कि यदि भगवत प्रसाद मिले तो प्रसाद को पा दो या समर्पित कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो प्रिया जी बनाई कृष्ण के लिए प्रसाद बनाएगी, प्रसाद बनाने के बाद थोड़ा सा किशोरी जी विश्राम करते, सखी मंजरियां आकर के पंखा झेलती हैं, हाथ पैर धोती हैं, थोड़ा ठंडा करती। जिस वस्त्र से प्रिया जी मन को देखिए, सेवा में सकरा मनिया का बड़ा ध्यान रखा जाता है, पवित्रता यदि नहीं रहेगी तो सेवा होगी नहीं। सदाचारहीन व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता। तो प्रिया जी रसोई घर में जाने के पहले भी वस्त्र बदलती, मंदिर और रसोई घर दोनों पवित्र, परम पवित्र होना चाहिए। यदि रसोई अपवित्र है तो मंदिर में भोग नहीं लग सकता। तो देखिए प्रिया जी की कितना बड़ा सदाचार है, प्रेमी सदाचार से ऊपर रहता है लेकिन सदाचार उसको छोड़ता नहीं, विधि निषेध को तोड़ देता है लेकिन विधि निषेध उसके पीछे पीछे नौकर बनकर चलता है। प्रिया जी आए जब रंधन शाला में तो सबसे पहले अपना वस्त्र चेंज की, फिर निकली तभी फिर वस्त्र चेंज की। सखी मंजरिया क्या करती हैं, किंकरियां प्रिया जी के उस वस्त्र को पहले निकलवाती, हाथ पैर धोती, भीगे वस्त्रों से प्रिया जी के अंग का मार्जन करती। कोई कोई मंजरी गुरु रूपा मंजरी के आदेश से पंखा झेलती, अपने से सेवा नहीं होता, गुरु के अनुगत रहना पड़ेगा। गुरु रूपा मंजरी के पीछे पीछे मंजरियां चलती हैं, गुरु रूपा मंजरी आदेश इंगित करती, वहां तो बोली हुई क्या है न, इंगित करती है तो मंजरियां जाकर किशोरी जी के श्री अंग पर पंखा झेलती। धनिष्ठा तुरंत एक गिलास पानी प्रिया जी को लाकर के शरबत बना करके देती है। प्रिया जी सुख पूर्वक बैठ जाती हैं और थोड़ा सा शरबत पीती हैं, उसमें कृष्ण का आधरासो रहता है। देखिए प्रिया जी अमनिया चीज नहीं खाती, देखिए कितना उत्कृष्ट प्रिया जी क्या है, भक्ति भक्ति मार्ग की आचार्या आचार्य। प्रिया जी हम समस्त जगत को भक्ति कैसे किया जाता है सिखलाती, इसलिए एक संप्रदाय चला है, श्री संप्रदाय है ना, चार संप्रदाय में एक श्री संप्रदाय है जिसकी आचार्य साक्षात श्री जी, ब्रह्म संप्रदाय है, हंस संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, चार संप्रदाय है। तो चारों लोग आचार्य भक्ति की शिक्षा दिए, कैसे भक्ति किए। तो प्रिया जी देखिए कितना अमनिया सकरा ये भी जानती है, ये बस समझना कि जो राघव उनका भक्त है सकरा अमनिया नहीं, बड़ा परफेक्ट रहता है। हाँ यदि हम पवित्र नहीं रहेंगे तो सेवा योग्य नहीं रहेंगे, इसलिए महात्मा लोग 24 घंटा पवित्र रहते हैं, सकरा अमनिया उसको ज्ञान रहता है। तो देखिए प्रिया जी की रंधनशाला में गई हैं और रंधनशाला से निकल जाते समय भी पैर हाथ धो करके वस्त्र बदल करके जाती हैं और फिर निकलती हैं, फिर भी कितना सदस्य है। प्रिया जी रसोई घर में पानी नहीं, आज रसोई घर में पानी नहीं पीते, प्यास लगे वही पी लो, अपने इंद्रियों पर भी तो थोड़ा सेवा में तो खैर प्यास लगती नहीं है, जिसका सेवा में मन है उसको भूख प्यास नहीं। निकलने के बाद प्रिया जी का अंग को पोछती हैं, मंजरियां पंखा झेलती हैं और धनिष्ठा तुरंत एक शरबत देती है और सुधा मिश्रिता
श्री कृष्ण का अधिराशव है ना, उसको स्वामी जी पीती हैं, उसके साथ पीते पीते थोड़ा आँख मूंदती हैं, प्यारे श्याम सुंदर का स्मरण करती हैं। देखिए तैल धारावत स्मरण चल रहा है दोनों का, जब श्याम सुंदर की, तत्पश्चात पानी के बाद निकुंज की सबसे बड़ी सेवा है। जब भी प्रिया जी पानी पिएगी, पीने के बाद तांबूल सेवा है, ललिता सखी की मुख्य सेवा है तांबूल सेवा। धनिष्ठा जब पानी पिलाती हैं तो ललिता जी तुरंत पान देती। निकुंज की चार सेवा है, बीरी बसन सुगंध आरस, ये चार सेवा पान खिलाती हैं। इधर नंदरानी तुरंत श्याम सुंदर को बुलाती हैं और श्याम सुंदर को बैठाती हैं। श्याम सुंदर, मधुमंगल, दाऊ दादा ये सब बैठ जाते, प्रसाद पाने के लिए बैठ जाते। स्वामी जी को पहली बार कहा, यहाँ पर बैठ गए, स्वामी जी थोड़ा दूर बैठे, प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी का दर्शन पाते हैं, आनंद मूर्छित अवस्था आ गई। स्वामी की पहली बार देखते ही नागर विमोहित हो जाते हैं, माँ अरुचि की बात सोच करके चिंतित हो जाती, क्या हो गया, प्रसाद पा रहे हैं लेकिन चिंतित हो गए हैं। महादेव की वाणी है उस समय की, देखिए भोजन लीला चल रहा है, भगवान का भोजन कई प्रकार का है, सखाओं के साथ भोजन करते हैं, माता पिता के साथ भोजन करते हैं, आज प्रिया जी का रंधन है, प्रिया जी बैठी हैं उनके सामने भोजन करते हैं। दाऊ दादा की जो माँ है रोहिणी जी आकर के परस रही है, प्रेम यदि होगा तो नौकर से भोजन नहीं कराए, और प्रेमी कभी नौकर से रसोई नहीं बनवाता है। आजकल के मठ महंत सेठ साहूकार ठाकुर जी की सेवा के लिए खुद भेज देता है, कोई नौकर लेकर आरती कर ले, नौकर भोजन बना दे, लेकिन प्रेम होगा। माँ अपने बच्चे की स्वयं सेवा करती है, यशोदा मैया के पास हजारों नौकर चाकर हैं लेकिन श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती है, नौकर चाकर से सेवा नहीं करती। साक्षात यशोदा जी अपने हाथ से, रोहिणी जी अपने हाथ से परोसती है, रामे और जननी दिए छे आपन, साक्षात मैया रोहिणी मैया देती है खिलाने के लिए। राधिका राम धीरज, प्रिया जी जो जो प्रसाद बनाई थी, जो जो उस सब को नाम रख रख करके रोहिणी जी देती है, क्या क्या देती हैं तो सुगंध, एक किस्म विभिन्न प्रकार का भोजन है। देखिए ये भजन है, यही भजन है, हरे कृष्ण से कम नहीं है इसका नाम लेना। प्रिया जी का प्रसाद बनाया हुआ प्रसाद, सुगंधित चावल दी, विविध व्यंजन, व्यंजन का नाम लेने से तो पता इतना है, विविध व्यंजन में हजारों प्रकार की व्यंजन है। कहावा कहीं वो कत, इसलिए वर्णन भला कौन कर सकता है, कितनी प्रकार का भोजन है। श्री कृष्ण भगवान है, उनको दो चीज बहुत अच्छा लगता है, श्रृंगार और भोजन, इसीलिए 56 भोग लगता है। और भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार करना एक सेवा है, मंदिरों में जाइए श्री कृष्ण ठाकुर जी के मंदिरों में, तो उनको खूब सुंदर स्नान कराया जाता है, तेल मर्दन किया जाता है, पुलेल लगाया जाता है, खूब गहना कीमती कीमती गहना पहनाया जाता है। ये भजन तो यहाँ विविध प्रकार का प्रिया जी अपने हाथ से बनाई है, और उसको मैया रोहिणी एक एक चीज देते देते कहती है श्री कृष्ण के, किशोरी जी ये बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, खूब नाम विविध व्यंजनों का नाम देते हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि कितना गिना जाए विधि रो गोचर जतो उपहार। अरे प्रिया जी जिस वस्तु को बनाई है कौन वर्णन कर सकता है इस जगत में, किसी के बस की बात है क्या। प्रिया जी को केवल एक ही व्यक्ति समझता है श्री कृष्ण, वो तो बेचारा मोहित रहता है, वो भी बेहोश, प्रिया जी का एक दृष्टि पाते हैं पंगु हो जाते हैं। विधि रे उचर जत उपहार दिए छे रोहिणी माया, रोहिणी मैया दे रही, राधा व बदन देखी अचेतन भैया नागर का, हरे कृष्णा देखा क्या खाएंगे, कृष्ण के खाने की हिम्मत है, प्रिया जी के दृष्टि बात खाना पीना पाना।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु को ऐसा हमेशा होता था। महाप्रभु को भोजन करते समय यदि स्मरण आ जाए तो खा नहीं पाते, फिर उनको लगा भाव साबल्य है ना, भाव के ऊपर भाव, भाव के ऊपर भाव, भाव साबल्य हमेशा चढ़ा रहता। अब देखिए श्री कृष्ण की स्थिति क्या होगी। राधा रो बदन देखी अचेतन भैया नागर रहा है, उज्जवल नील मणि में प्रिया जी के दिव्य 25 गुणों का जो वर्णन किया गया है उसमें यह कहा गया है कि सबसे बड़ा गुण है कि श्री राधा रानी की समता दुनिया में कोई करने वाला है, किसी की ताकत नहीं है कि राधा रानी की महिमा गाए। राधा रानी की महिमा केवल श्री कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। और वो भी श्री कृष्ण से कह दिया जाए कि आप राधा रानी की महिमा गाए तो कृष्ण राधा रानी के एक गुण गाते हैं कि हो सकते पढ़े थे, और कौन गा सकता है। जो सबसे बड़ा वक्ता है श्री कृष्ण वो तो बेहोश हो जाते, उनके पास ताकत। देखिए राधा रो बदन देखी अचेतन हैला नागर राह अरुचि देखी या आकुल हैया करे नंद रे। अब देखिए माँ को वात्सल्य स्नेह तो देखो, माँ केवल पेट देखती हमारे लाला क्यों उदास क्या क्यों नहीं खा रहा है। इधर अरुचि देख करके नंद रानी जसोदा जी पागल हो गई, अब क्या किया जाए, इनको कैसे ठीक किया जाए। तब नंद रानी आती और नंद रानी आकर के कहती है राधा रसवती कर्पूर मालती तुम्हारे लागी आए, ये तो और बेहोश बना देगी। एक तो प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के श्री अंग को देख करके बेहोश हो गए, खाना पीना छोड़ दिए। ऊपर से ब्रज रानी जसोदा रानी आकर के कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए ही ये विविध प्रकार का मिष्ठान प्रिया जी लाए, ये खा, तुम ही ना खाई ले राय राय नासी, मतलब तुम ही ना खाएगा तो राय राधा रानी क्यों आएंगे, क्यों आकर क्या बनाएंगे। स्वरूप कहिलाम तोरे ये सब बताए, विशाखा ललिता आर कुंदलता ठारिया कहे छी मोरे, मायर बचने पावन चेतने नागर शेखर कान, रायर सुख दिया आकंठ पुरिया करिल भोजन भरता। ये देखिए माँ खिलाया जाता है, छोटा बच्चा जब रुस जाता है तो माँ कैसे खिलाती है। आप लोग इमामा का कौर है, खा लो एक एक नाम लेकर के खिलाती है। माँ का लक्ष्य है अपने बेटा को खिलाती, जसोदा मैया केवल श्याम सुंदर की कहती है देखो यदि तुम नहीं खाए तो कल से राधा रानी नहीं आए, डर गए कि कोई सचमुच नहीं आया। कहती है कि यदि तुम नहीं खाओगे तुम्हारे लिए बनाई है, और यदि तुम नहीं खाएगा तो कल से आना छोड़, नहीं बनाएगी ना कुछ लाएगी।